हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो कल का हमारा जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने क्या पढ़ा था? ओजेनेसिस पढ़ा था। ओजेनेसिस में हमने क्या बात की थी कि जो फॉर्मेशन है ओवा की, वो कैसे हो रही थी। तो ओवा की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना था, हमने सबसे पहले उसमें क्या चीज़ पढ़ी थी कि प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना, सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बना या टर्शरी फॉलिकल कैसे बना, है ना। ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता, फिर से लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं मैम, तो बहुत अच्छे से उस वीडियो को देख लो, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो टोटली उस पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर आपने वो ओजेनेसिस वाला वीडियो नहीं देखा है या उसको अच्छे से नहीं समझा है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से देख लेना। उसमें लास्ट में हमने क्या बनाया था, ओजेनेसिस थी ना, ओजेनेसिस में लास्ट में बात क्या की थी, हुआ क्या था कि ओवा की फॉर्मेशन हो गई थी। ओवा यहाँ पे कौन है, मतलब मैंने किसकी बात करनी है यहाँ पे, एग की, कि एग की फॉर्मेशन हो गई। आज मैं बात क्या कर रही हूँ आप सबसे कि ये जो एग है ये किस किस टाइप से हो सकता है, मतलब कितने टाइप से हो सकता है या किस किस टाइप में कैसी कैसी चीजें आ सकती हैं और कितने कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्स, ठीक है। अब पहला यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एग होता है वो क्या बोलते हैं हम उसको, लेसिथल के बेस पे बोलेंगे। पहले मैंने लिखा ए लेसिथल, मैं इसको एग्स के टाइप्स को किसके बेस पे कर रही हूँ, अमाउंट ऑफ योक के बेस पे कर रही हूँ, कि अगर उस एग में योक कितना होगा, ठीक है। अगर उसमें योक जो है, योक वाला जो पार्ट है, अगर उसमें कम है तो उसको क्या बोलेंगे, योक ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, या योक है ही नहीं तब उसको क्या बोलेंगे। तो एक चीज आती है ए लेसिथल, एक होता है माइक्रो लेसिथल, थर्ड वन इज मीजो लेसिथल, लेसिथल एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज मेगा या फिर मैक्रोलेसिथल, ठीक है जी। तो ये फोर टाइप के एग हैं जो हमने किसके बेस पे करने हैं कि उसमें अमाउंट ऑफ योक कितना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ योक के बेस पे इसकी चार टाइप्स बन गई हैं। अगर मैं ए लेसिथल की बात करूं, ए मतलब यहाँ पे क्या है, ये एब्सेंट है, अगर उसमें योक नहीं है, नो योक, ठीक है जी। अगर कोई भी योक नहीं है तो वो कौन सा एग होगा हमारे पास, ए लेसिथल। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैमल की, जो ह्यूमन बीइंग में बात कर रही हूँ, अगर मैं स्पेशली मैमल्स के एग्स में ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी में एग बनता है, एक फीमेल की बॉडी में जो एग बनता है उसमें योक जो है वो नहीं होता, ठीक है, उसमें योक नहीं होता। अगर मैं माइक्रोलेसिथल की बात करूं, यहाँ पे कौन आ जाता है, माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल का नाम क्या है, मतलब माइक्रो से क्या पता चल रहा है, ये बहुत कम है, तो यहाँ पे इसकी बात क्या आ जाएगी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इसमें हम देंगे जो, वो कौन कौन सा हो सकता है, एक तो आ सकता है एकाइनोडर्म्स। आपने प्लस वन में आपने एनिमल किंगडम चैप्टर तो अच्छे से पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम चैप्टर में एकाइनोडर्मेटा और सिफेलोकॉर्डेट्स नाम की चीजें आई होंगी, नहीं याद होंगी तो बस आपने इसमें एग्जाम्पल याद रख लेना, अगर वो नहीं भी याद तो एकाइनोडर्मेटस का यहाँ पे एग्जाम्पल कौन है, स्टारफिश है। और ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ सिफेलो कॉर्डेट का, सिफेलो कॉर्डेट, जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल जो मेनली आपको याद रखना है दैट इज एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस। तो यहाँ पे मैंने बात करी है माइक्रोलेसिथल की, माइक्रोलेसिथल मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट इज एकाइनोडर्मेटा, मतलब एकाइनोडर्म्स, जिसका जिसमें आपने कॉमनली स्पीशीज का नाम कौन सा याद रखना है, दैट इज स्टारफिश। दूसरा मैंने यहाँ पे बोला सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट में आपने याद रखना है कौन सा, एम्फियोक्सिस, ठीक है। अब दूसरा सॉरी तीसरा यहाँ पे जो आता है, पहला आ गया कौन सा, एलेसिथल। एलेसिथल में तुमने बात क्या कर दी, दैट इज नो योक इज प्रेजेंट। माइक्रोलेसिथल स्मॉल अमाउंट ऑफ योक। मीजोलेसिथल का क्या मतलब है, कि मॉडरेट अमाउंट। मॉडरेट अमाउंट का क्या मतलब होता है,
मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, मतलब ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, कि मतलब ना तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा। मेगा और मैक्रो का क्या मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ योग है ना। इधर तो हो गया लार्ज अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट, तो अगर जो ज्यादा है तो उसको मेगा बोल दिया, कम है तो माइक्रो बोल दिया। बट अगर इन दोनों से मैच नहीं करता, मतलब इतना नहीं आ सकता कि उसको माइक्रो में इंक्लूड कर सके, इतना ज्यादा भी नहीं है कि उसको मैक्रो में इंक्लूड कर सके, तो हम क्या करेंगे, उसको मॉडरेट में रखा है। मॉडरेट के लिए वर्ड कौन सा लिया, यहाँ पे मीजोलेसिथल ले लिया है, ठीक है। तो मीजोलेसिथल में यहाँ पे एग्जाम्पल कौन आएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा एम्फीलिया, और सेकेंड वन कौन आ जाएगा, कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है जी। ये आपने सारी की सारी चीजें एनिमल किंगडम में पढ़ी होंगी, बहुत सारे बच्चों को याद वो नहीं भी होंगी तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये सब इसमें कुछ भी नहीं, आपको जस्ट एग्जांपल याद रख लेने हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी एटसेट्रा हो सकता है, आपने सिर्फ एग्जाम्पल्स को याद रख लेना है। कार्टिलेजिनस फिशेस, फिशेस कौन सी, मतलब उसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन है, बोन्स नहीं है। एम्फीबिया कौन से होते हैं, एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर बॉडी में भी रह सकते हैं। मतलब अगर तो उनको जनरल सर्वाइवल करना है तो लैंड पे रहेंगे, बट अगर उनको रिप्रोड्यूस करना है तो वो पानी में चले जाते थे, दैट इज एम्फीबिया। एनिमल किंगडम चैप्टर पे नहीं जा रही हूँ और ना ही मैं ये बोलूंगी कि उसको याद करो तो ये याद होगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो नहीं याद तो ये नहीं याद होगा, आपको जस्ट एग्जांपल्स याद रख लेना है जो जो मैं बता रही हूँ। तो मेगालेसिथल आता है, मेगालेसिथल में एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स या फिर बोनी फिशेस। बोनी फिशेस मतलब जिनका स्केलेटन जो किससे बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है। मैंने इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मतलब बहुत इजी इजी से आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दी है ताकि आपको इजीली यहाँ पे याद हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें या फिर आप बर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करी है कि एग्स की टाइप्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है उसमें योक कितना है। अगर उसमें योक नहीं है तो उसको एलेसिथल बोल देंगे, एलेसिथल नहीं है तो उसका एग्जांपल कौन है, मैमल है। माइक्रोलेसिथल इसका मतलब है कि योक जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल हो गया एकाइनोडर्म्स मतलब स्टार फिश, सिफेलोकॉर्डेट मीन्स यहाँ पे एम्फियोक्सिस को लिया है, मीजोलेसिथल मतलब मॉडरेट अमाउंट में योक है, एग्जाम्पल एम्फीबिया और कार्टिलेजिनस फिशेस का ले लिया है। मैक्रो या मेगा, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ज्यादा वाले की बात की हुई है, मेगा ज्यादा वाले की, लार्ज अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बोनी फिशेस एटसेट्रा, ये सब चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो थी टाइप्स ऑफ एग्स, अमाउंट ऑफ योक। अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ एग, बट किसके अकॉर्डिंग, ये तो था कि अमाउंट कितनी है, बट अमाउंट के बाद अब मैं यहाँ पे क्या बात करूंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, मतलब अगर मैं बात करूं कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे है। अभी तक तो मैंने ये बात करी कि है कितना योग, है कितना, या तो ज्यादा है या कम है या है ही नहीं या बहुत नॉर्मल क्वांटिटी का है। अब मैं बात करूंगी कि चलो नहीं है उसकी तो बात ही खत्म हो गई, बट अगर है तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऊपर है, नीचे है, साइड्स पे है, बीच में है, कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे क्या बात करी थी कि डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। एक तो आएगा आइसोलेसिथल, सेकेंड वन इज टीलोलेसिथल, और थर्ड वन इज सेंट्रोलेसिथल। शायद नाम से थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा है, बाकी तो पता नहीं पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, ये जरूर पता चल रहा है कि जिसमें पूरा सेंटर में होगा। जैसे कि सपोज ये हमारे पास सेल है, ये सेल है, अगर योक यहाँ बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, सेंट्रोलेसिथल होगा, मतलब उसके पेरीफेरी रीजन पे, यहाँ पेरीफेरी रीजन पे जो योक है वो नहीं होगा। हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि पेरीफेरल जो पेरीफेरी रीजन है, पेरीफेरी रीजन जो है ये वाला, दैट इज योक फ्री, ठीक है। और सेंटर पे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे योक प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेंट्रोलेसिथल। एग्जाम्पल क्या दे दिया इसमें, इंसेक्ट दे दिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। दूसरा क्या है, आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल का क्या मतलब है, अगर जो है पूरा
या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि अगर ये सेल है तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सेंटर पे होगा, वो यहाँ पे पूरे सेल में योग डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पूरे सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेसिथल। और इसमें एग्जांपल कौन आ जाएगा, माइक्रोलेसिथल वाले आ जाएंगे। माइक्रोलेसिथल में कौन से पड़े थे, माइक्रोलेसिथल मतलब जिसमें स्मॉल अमाउंट में योग था, स्मॉल अमाउंट में योग जिसमें पड़ा था उसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, एक तो एकाइनोडर्म्स पड़े थे और दूसरे कौन से पड़े, सिफेलोकॉर्डेट्स पड़े, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये पड़ा आइसोलेसिथल का। अच्छा, दूसरा नाम भी हो सकता है होमोलेसिथल, क्योंकि पूरी की पूरी सेल में ये सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, होमोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल अगर सिर्फ बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, साइड्स पे पेरिफेरी पे रीजन पे क्या होगा, योग फ्री। एग्जाम्पल कौन हो गया, इंसेक्ट, इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, माइक्रोलेसिथल। पहले वाले के भी नोट्स बना लेना, इसको भी लिख लेना अच्छे से, एकाइनोडर्मेटा और सिफेलोकॉर्डेट इसके एग्जांपल हो गए। अब आता है टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल का क्या मतलब है कि योग जो है, योग इज प्रेजेंट ऑन ओनली वन रीजन। वन रीजन का क्या मतलब है, एंड अदर रीजन इज फ्री, ठीक है, अदर रीजन फ्री है। एक रीजन पे तो होगा और दूसरे रीजन पे नहीं होगा, तो जिस पे होगा, अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है मीजो और एक आ जाता है मैक्रो, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इंसेक्ट पहले पूरी बात सुन लो फिर एग्जांपल बताती हूँ, और सॉरी वो बताती हूँ कैसे है। इसका हो गया, इसमें क्या आ गया, माइक्रोलेसिथल वाले आ गए, क्योंकि हम एलेसिथल की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो है ही नहीं। पहले वाले में आइसोलेसिथल में बात क्या करी कि उसमें पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसमें बात क्या कर दी कि एकाइनोडर्मेट्स या सिफेलोकॉर्डेट जो माइक्रोलेसिथल में आए थे जिसमें स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट वाला है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसमें मैं बोल रही हूँ माइक्रो वाला तो यहाँ पूरा हो गया, इसमें बोल रही हूँ मीजो और मैक्रो वाले आएंगे बट इंसेक्ट नहीं आएगा इसमें, तो इंसेक्ट कहाँ जाएगा, इंसेक्ट इसमें आ गया सेंट्रोलेसिथल में। एग्स के जो इंसेक्ट के एग होते हैं उसमें ऐसा होता है कि सिर्फ सेंटर पे योग है और बाकी रीजन फ्री होता है। बचा क्या, मीजो और मैक्रो। मीजो और मैक्रो, मीजो में मैंने क्या बताया था, कार्टिलेजिनस फिशेज बताई थी, ठीक है, और एम्फीबिया बताया था। मैक्रो में क्या बताया था, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और बोनी फिशेस। तो उसमें से सिर्फ इंसेक्ट्स को साइड कर दो, बाकी जितने भी मैक्रोलेसिथल होंगे वो टीलोलेसिथल जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। टीलोलेसिथल में क्या होता है कि सिर्फ एक रीजन पे है, जैसे सपोज कि ये एक सेल है, इसके सिर्फ इस रीजन पे योग है, ये वाला रीजन कौन सा है, योग फ्री रीजन है, ठीक है। तो योग फ्री रीजन को मैं क्या बोल दूंगी, जिस रीजन पे ये प्रेजेंट है उसको क्या बोल देते हैं, वेजिटल पोर, और दूसरे वाले को क्या बोल देते हैं, एनिमल पोर, जिस पे योग नहीं है, ठीक है जी। ये कौन सा पोर हो जाएगा, एनिमल पोर हो जाएगा, एंड सेकंड वन इस कौन सा हो जाएगा, वेजिटल पोर। तो योग कहाँ प्रेजेंट है, वेजिटल पोर पे। तो हम यहाँ पे ये भी बात बोल सकते हैं कि टीलोलेसिथल में जो योग होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वेजिटल पोर पे। वेजिटल पोर मतलब क्या है कि जिस रीजन पे वो प्रेजेंट होगा उसको वेजिटल पोर बोल रहे हैं, और जिस रीजन पे नहीं होगा उसको एनिमल पोर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइसोलेसिथल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइक्रोलेसिथल उसका एग्जांपल होगा, टीलोलेसिथल एक रीजन पे होगा दूसरे पे नहीं होगा, जिस पे होगा उसको वेजिटल पोर बोलेंगे, अदर वन को एनिमल पोर बोल देंगे। मीजो और मैक्रो इसके एग्जांपल होंगे, इंसेक्ट को छोड़ के। इंसेक्ट इसमें आ जाएंगे सेंट्रो में, सेंट्रो का मतलब जिसमें सिर्फ सेंटर पे होगा, और दूसरा बाकी वाला जो एरिया है पेरिफेरी रीजन वाला वो कौन सा है, योग फ्री है, ठीक है जी। तो इसके बाद ये आपका क्या है, जो एग वाला की मतलब किस किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और कौन कौन से टाइप इसके इसके एग हो सकते हैं। इसके बाद मैं बात क्या करती हूँ, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करती हूँ, तो इसको मैं इरेज कर लेती हूँ एक बार। हाँ जी, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे हमारे पास, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, और मैं इसको यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ ऑयस्ट्रस साइकिल से, ऑयस्ट्रस साइकिल, ठीक है। ऑयस्ट्रस साइकिल किस में होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस में होती है,
तो ऑयस्ट्रस साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट्स मैमल में ये होती है, प्राइमेट्स मैमल्स में अकर्स इन प्राइमेट्स मैमल्स अकर्स इन, और ये किसमें अकर्स करेगी, अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, क्या हो जाती है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टेक्स प्लेस, और उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है हर मंथ नहीं आती, उसमें हमारा क्या रहता है, कंप्लीट साइकिल चलता है, एक साइकिल में चलती है, साइकिल कौन सा होता है 28 टू 30 डेज का, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होती है, एंडोमेट्रियम ब्रोक डाउन हो जाती है ना, मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग थी, सबसे इनर लाइनिंग दैट इज एंडोमेट्रियम, अगर स्पर्म ओवा के साथ फर्टिलाइज नहीं होता तो वहां पे वो एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, बस्ट आउट हो जाता है, उसके बस्ट आउट होने से ब्लीडिंग जो है वजाइनल पोर के थ्रू बाहर निकल जाती है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि एंडोमेट्रियम अगर जो है, एंडोमेट्रियम अगर वहां पे ब्रेक डाउन हो भी गई, ठीक है, इसकी जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है कि वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है। रीअब्सॉर्ब का क्या मतलब है कि वो हर मंथ वहां से नहीं रिलीज होगी। एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन अगर हो भी गई तो ब्रेक्स डाउन एंड रीअब्सॉर्ब्ड, वहीं की वहीं रीअब्सॉर्ब्ड हो जाएगी इन यूट्रस, ठीक है जी। यहाँ पे ये रीअब्सॉर्ब्ड हो गई है, ये क्या थी, बाहर निकल गई थी, ब्रेक्स डाउन और हुआ क्या था, ब्लड बाहर आ गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बोला कि प्राइमेट मैमल में होती है, वो नॉन प्राइमेट में होती है, इसकी इसमें मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कंप्लीट साइकिल नहीं चलती जो 28 टू 30 डेज में कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जब एंडोमेट्रियम फट जाती है तो क्या होती है, ब्लीडिंग बाहर निकलती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एंडोमेट्रियम जब अगर बस्ट आउट हो भी जाती है हर मंथ या कैसे भी करके तो मोस्टली क्या होती है, रीअब्सॉर्ब होती है। अब ऑयस्ट्रस साइकिल में ना दो चीजें होती है, एक होता है मोनोइस्ट्रस और एक होता है पॉलीस्ट्रस। मोनोइस्ट्रस का क्या मतलब है कि वंस इन ए ईयर, अगर एक साल में एक बार हो, इसमें क्या होता है मोर देन वन टाइम इन ए ईयर, ठीक है, मोर देन वन टाइम, अगर तो सिर्फ एक बार होती है पूरे साल में दैट इज मोनोइस्ट्रस, और अगर एक से ज्यादा बार हो जाती है तो उसका क्या मतलब है पॉलीस्ट्रस। इस्ट्रस क्या है यहाँ पे, इसका मेंस्ट्रुएशन, और इसमें एग्जांपल कौन आएगा, इसमें आएगा डॉग और इसमें आएगा कैट, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुएशन और ऑयस्ट्रस का आपका डिफरेंस है, इसको ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इस्ट्रस के बारे में बाद में भी पूछा जा सकता है और मोनोइस्ट्रस और पॉलीस्ट्रस पे कहीं पे क्वेश्चन आपको अटक सकता है, तो इसको एक बार नोट कर लेना सभी, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आप लोग बाद में नोट कर सको। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, देखो अभी हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। टर्म्स क्या है, किसके अकॉर्डिंग, मैंने मेंस्ट्रुएशन की बात करी है तो मेंस्ट्रुएशन के अकॉर्डिंग मैं कुछ टर्म्स की बात करूंगी आपसे। पहली टर्म्स यहाँ, पहली टर्म क्या है, मेनार्के। आपको सबको पता होगा जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है किस टाइम पे, प्यूबर्टी पे, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है ना, तो प्यूबर्टी के टाइम पे जिस टाइम ये चीजें आती है, मतलब 12 से 14 साल की एज में या मैक्सिमम 15 पे पहुंच जाता है कई बारी, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं। अब एक और चीज आती है, एमेनोरिया, इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर, ठीक है जी, इसमें ऐसा नहीं होता कि मेंस्ट्रुएशन होती ही नहीं है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी,
ठीक है, हमें आज बहुत ही सिंपल सा लेक्चर की बात करूँ जिसमें मतलब कुछ टर्म्स है। पहले हमने ये बात करी कि वो ऐसा एग ऐसा उसको ऐसे बोल देते हैं, उसमें छोटी अमाउंट में हो तो उसको ऐसे बोलते हैं, बड़ी अमाउंट में योक प्रेजेंट है तो उसको ऐसे बोल देते हैं। फिर बात ये कर ली कि अगर योक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको ये बोल देंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको ये बोल देंगे। वैसे ही ये चीज है कि अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको मेनार्के बोल देंगे, बट अगर मेंस्ट्रुएशन अकर नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स हैं। प्राइमरी टाइप में क्या होता है कि कभी हुआ ही नहीं, नेवर, ठीक है, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, कि कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंडरी का क्या मतलब है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन अकर नहीं हो रहा, मतलब मेंस्ट्रुएशन जब वहां पे नहीं हो रहा उसको बोलेंगे एमेनोरिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रखा है, एक टेम्परेरी स्टॉपेज आया हुआ है, टेम्परेरी स्टॉपेज बोलेंगे जिसको, ठीक है। कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि हुआ ही नहीं, हुआ था, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्योंकि उस एंडोमेट्रियम ने फटना नहीं था, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो गया है, तो अब वो जो एंडोमेट्रियम थी वो प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो गई है, इसका मतलब क्या है कि वो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, प्रेगनेंसी में ये अब नहीं होगा। तो एमेनोरिया में इंक्लूड तो वो होगा बट टेम्परेरीली हुआ ना, मेनोपॉज तो नहीं आया। जैसे मैं बात कर रही हूँ तीसरी टर्म कौन सी है, मीनोपॉज की बात कर रही हूँ। मीनोपॉज का क्या मतलब हो गया कि परमानेंट स्टॉप हो गए। परमानेंट स्टॉप क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन परमानेंट स्टॉप हो गया, जो कब स्टार्ट होता है 45 to 50 की एज में आके परमानेंट स्टॉप हो जाता है। तो इसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि परमानेंट स्टॉप हो गए, तो सिर्फ टेम्परेरी स्टॉप है जो ही। तो जैसे ही बेबी की बेबी का बर्थ हो जाएगा, बेबी डिलीवर कर देगी फीमेल, तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेरी स्टॉप है, और ये ऐसा था कि जिसमें मेंस्ट्रुएशन कभी हुआ ही नहीं, तो वो एमेनोरिया में प्राइमरी स्टेज में आएगा कि भाई हुआ ही नहीं। एक होता है कि होना, उसके बाद एक टाइम के लिए रुक गया, उसके बाद वो परमानेंट रुक गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी भी, उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि वो एमेनोरिया में प्राइमरी स्टेज में आएगी, ठीक है। और ये हो गई हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कौन सी है यहाँ पे, डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का क्या मतलब है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे किसी फीमेल को बहुत ज्यादा पेन टॉलरेट करना पड़ता है, पेन टॉलरेट करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अब एक लेयर जो है वो बस्ट आउट हो गया बॉडी में, एक लेयर पूरी तरह से बस्ट हो चुकी है। अब वो बस्ट होने के बाद क्या हो रखा है कि ब्लीडिंग हो रही है। अब यहाँ कोई भी चीज हो, एक नॉर्मल इंजरी हो जाए तो क्या होगा, पेन होगा। अगर वो उसमें पेनफुल, प्रॉपर पेनफुल, एक होता है पता भी नहीं चलता, लाइक कुछ फर्क नहीं पड़ा बॉडी में, एक बहुत ज्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, तो उसके लिए टर्म आ जाती है डिसमेनोरिया, ठीक है जी। यहाँ पे कौन सी टर्म आ जाएगी, डिसमेनोरिया। फिफ्थ टर्म आती है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो गई है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जनरली मेंस्ट्रुएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, 28 टू 30 डेज की होती है। अगर वो रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस का क्या मतलब है कि 28 डेज के बाद साइकिल रिपीट ही नहीं हो रहा, वो भी मतलब स्लो चल रहा है काम, तो वो साइकिल रिपीट कब हो रहा है, 35 और मोर देन 35 डेज, ठीक है, 35 डेज या उससे भी ज्यादा डेज। जनरली क्या होता है 28 टू 30 डेज के बाद रिपीट हो जाता है। 28 डेज की बात अगर मैं करूँ तो मैं एक बात ये कह सकती हूँ कि 4 वीक्स के बाद रिपीट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 वीक्स या उससे भी ज्यादा, मोर देन 5 वीक्स, अगर इस तक भी ये साइकिल रिपीट नहीं हो रहा है तो उसमें क्या बोलेंगे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब साइकिल रिपीट करने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो 4 वीक थी वो 5 वीक या उससे भी ज्यादा चलेगी, जो 28 डेज थे वो उसके बजाय 35 डेज या उससे भी ज्यादा डेज पे चलेगी। मतलब जो कंप्लीट होने की, एक साइकिल कंप्लीट होने की फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई है, स्लो चल रहा है प्रोसेस, उसको ओलिगोमेनोरिया बोलेंगे। लास्ट टर्म आती है सिक्स, पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया इसमें क्या होता है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी किसकी, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी टू कंप्लीट अ साइकिल, पूरा वर्ड ये लिखेंगे आप,
इंक्रीज फ्रीक्वेंसी टू कंप्लीट ए साइकिल। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी मतलब अब साइकिल, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी में क्या बोला था कि एक साइकिल जो है वो जो 28 टू 30 डेज के बाद कंप्लीट होती थी वो 35 डेज के बाद कंप्लीट हो रही है। अब मैं बोल रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल जो है जल्दी से जल्दी वो क्या है कि रिपीट हो रहा है। तो जो 4 वीक्स वाला काम था अगर वो यहाँ पे 2 टू 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाए, मतलब कि 28 डेज की बजाय वो क्या हो गया 20 टू 22 डेज में ही अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है, उसका क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है साइकिल कंप्लीट करने की वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे पॉलीमेनोरिया। मैंने यहाँ पे जो आपसे टर्म्स की बात करी है, सबसे पहले बात करी है मेनार के, जिसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। मेंस्ट्रुएशन जिस एज में स्टार्ट होता है दैट इज प्यूबर्टी, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर सेक्सुअल हॉर्मोन्स बॉडी में रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, वो कब होता है 12 टू 14 की एज में। उसके बाद मैंने बात करी एमेनोरिया, मतलब मेंस्ट्रुएशन वहां पे अकर नहीं कर रहा है, तो या तो वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। प्राइमरी का क्या मतलब है कि कभी हुआ ही नहीं, सेकेंडरी मतलब टेम्परेरी, एक बार स्टॉपेज लगा है। टेम्परेरी स्टॉपेज कब लगता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और परमानेंट स्टॉपेज कब लगता है, जब मीनोपॉज हो जाता है 45 टू 50। अगर मेंस्ट्रुएशन में पेन होता है, एक पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, डिसमेनोरिया। ये कोई एक डिसऑर्डर नहीं होता है, बट किसी किसी फीमेल में, मतलब वेराई करता है, ऐसा हर फीमेल में भी नहीं होता, बट हर किसी फीमेल में नहीं है, वेराई करता है, किसी किसी में हो सकता है। एंड दिस इज नॉट अ डिसऑर्डर, ये क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को डिसमेनोरिया, हम टर्म्स की बात कर रहे हैं। फिफ्थ, अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई, फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। रिड्यूस होने का क्या मतलब है, आप सोचोगे कि दिन बढ़ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज हुआ काम, इंक्रीज उस हिसाब से नहीं देखना आपने। आपने क्या देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी दिन में कंप्लीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी अपना कंप्लीट होने में, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम ज्यादा लगा या कम लगा, ज्यादा लगा, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। इसलिए बोला कि रिड्यूस फ्रीक्वेंसी, जो काम 28 टू 30 डेज के अंदर होना था वो किस में हो रहा है, 35 और मोर देन 35, ठीक है। और पॉलीमेनोरिया, इनफ्रीक्वेंसी इंक्रीज, मतलब जो काम कब होना था, 28 डेज में फिर से होना था, वो साइकिल क्या है, वो प्रोसेस क्या चल रहा है, बहुत जल्दी चल रहा है कि 2 टू 3 वीक्स में ही, मतलब 20 या 22 डेज में ही रिपीट हो गया, इसलिए उसको क्या बोला, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जनरली मैंने टर्म्स की बात करी है। कल मैं आपसे क्या बात करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस की बात करूंगी कि कैसे बॉडी में फॉलिकल्स जो है वो बनते हैं और उसके बाद कैसे वो मैच्योर हो जाते हैं और कैसे कैसे वो आगे आगे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आप एक बार ऊजेनेसिस का लेक्चर आज फिर से देखेंगे, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्राइमरी फॉलिकल कैसे बना, सेकेंडरी कैसे बना, टर्शरी कैसे बना, मैं आपको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर देती हूँ। प्राइमरी फॉलिकल में क्या था कि प्राइमरी ऊसाइट है, उसके बाहर एक लेयर बन गई, जस्ट एक लेयर फॉलिकुलर सेल की, उसको हमने प्राइमरी फॉलिकल बोला था। सेकेंडरी फॉलिकल में अगर वो एक लेयर से 2-3 लेयर बन रही थी, ग्रैन्यूलोसा लेयर, अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर बहुत ध्यान से देखा है तो उसको सब समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। अगर वो एक लेयर से 2-3 लेयर मल्टी लेयर बन गया है तो उसका क्या मतलब है, ग्रैन्यूलोसा लेयर बना। ग्रैन्यूलोसा लेयर के बाद आउटर लेयर कौन थी, थीका थी। नेक्स्ट स्टेज पे क्या हुआ था, वही थीका डिवाइड होके थीका एक्सटर्ना और इंटरना बन रही थी, और फाइनली क्या हो रहा था, कोरोना रेडिएटा और जोना वेल्यूसिडा में आके वो डिवाइड हो रहे थे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेजेस थी फॉलिकल की, एक बार उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि कल उन्हीं चीजों को मैंने रिपीट करना है, वो समझ आई होंगी तभी वो बातें नेक्स्ट की समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो कल मैं मेंस्ट्रुएशन में हॉर्मोनल कंट्रोल के साथ मिलती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।